नमस्कार दोस्तों, ये मंडी की देवीधर बहुत सुंदर जगह में हम आज हमारा शूटिंग का दूसरा दिन है, तो आज हम बड़ी खूबसूरत जगह पे आए हैं। ये हमारे हेमराज जी जिन्होंने हमारी बड़ी सेवा करी है, और ये आलम जी हैं, और ये मैडम वीना, और ये हेतराम जी और गंगाराम जी कंबल लाते हुए, और बहुत ही उम्दा शूटिंग यहाँ पे होगी। और ये देख सकते हैं कि हमारा यूनिट आगे चला है, ये स्पीकर उठाते हुए यहाँ से स्किट हो सकती है ना। बहुत ही खूबसूरत जगह और बहुत ही आनंद आते हुए, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिनका चलने का बस भी ना हो वो घर में रहें। ऐसे में क्या होता है कि शूटिंग करनी होती है तो हम उनको उनको संभालने में लगे होते हैं। नमस्कार, आप ये देख सकते हैं खूबसूरत वादियाँ। हेमराज जी इन खूबसूरत नज़ारों को कैमरे में कैद करते हुए, तो हम थैंक्स करना चाहेंगे हेतराम जी का, गंगाराम जी का, आलम जी का। ये देख सकते हैं कि कंबल भी साथ लेके जा रहे हैं, पूरा यूनिट। हम शूटिंग का आज हमारा दूसरा दिन है, और साथ ही बर्फ के भी फाये भी पड़ने शुरू हो गए हैं। तो हेतराम जी, गंगाराम जी, हम आलम जी, आपके बहुत धन्यवादी कि आप हमें इस खूबसूरत लोकेशन पे दूसरी बार लेके आए। आपको याद होगा तो पहली बार हम यहाँ 2014 में शूटिंग करी थी, उसके बाद यहाँ पे बहुत सी शूटिंग्स हुई। तो ये मंडे की बहुत खूबसूरत जगह है। क्या नाम है जी यहाँ का? देवीदड़। बहुत खूबसूरत जगह, पहली बार आप जी ने ही शूटिंग किया है यहाँ। बिल्कुल, ये पुल है हेमराज जी, पुल दिखाना जरा। इस पुल पे मैंने गाना शूट किया था, नीलमा वाला, ये वाला पुल, ये सामने जो है बहुत ही मनमोहक दृश्य। उसने पहाड़ों का क्या कहना के बारो महीने, यहाँ मौसम यारों का दौड़ के रुत ये सुहानी है। और ये फैन आते हुए, हाँ जी, नाम बताइए पहले। माय नेम इज कंचन कश्यप। कंचन कश्यप, हाँ जी, जनीता, जनीता, ये फैंस भी मिलते हुए। का क्या कहना के बारो महीने, यहाँ मौसम ये सुहानी है मेरी जान, ये सुहानी है चक्रे में के सर्दी से डर कैसा संग गर्म जवानी है, तुम परदेसी किधर से आए, आते ही मेरे मन में समाए, लगता है जैसे यहाँ, लगता है जैसे यहाँ अपनी हो शादी। साथ में सुहागू भी आए हैं, गंगाराम जी, ये हमारे हेतराम जी। क्या बात। तो जरूर दोस्तों इस वीडियो को आप जरूर देखें, हिमाचली स्वर पे हम ये जो हम वीडियो यहाँ शूट करने आए हैं, इस वीडियो को आपने जरूर देखना। बहुत जल्दी इसी महीने हम इस वीडियो को हिमाचली स्वर पे लॉन्च कर देंगे, और इसे डायरेक्ट किया है सनी शांडिल जी ने, और ये गीत लिखा है सुरेंद्र दांगी ने, और बाकी कुछ इसमें सस्पेंस है वो आप तो ये देख सकते हैं आप। हेतराम जी जरा रुकिए, ये देख सकते हैं आप स्वर, और हेतराम जी को ये देखो आप, अभी ये ताजा ताजा गिरते हुए बर्फ में। और ये हेतराम जी ने, हमारे बड़े भाई ने स्वरदीप शर्मा को गोद में ले लिया है, पीठ में ले लिया है, और ये देखिए कंबल लेके गंगाराम जी चले हैं, और ये आलम जी हमारे चाय लेके आए हैं, और ये देख सकते हैं हमारे चार देवियां चली हैं, और हम हमारी एक बेटी पीछे चली है, और साथ में पीछे से लकड़ी लेते लेकर आते हुए पुलकित कुमार, इनके लिए जरा जोरदार तालियां हो जाए। डॉक्टर साहब हमारे, और ये देख सकते हैं आप खूबसूरत लोकेशन देवीदड़।
और बहुत ही आनंद यहाँ आज आ रहा है। और देखिए ये देखिए, अभी हम यहाँ लकड़ी इकट्ठी करते हुए, इन्होंने 10 बार पहले भी ला चुके हैं, ये थोड़ी थोड़ी ऐसे इकट्ठी कर रहे हैं। और हम और ये देख सकते हैं कि बर्फ बारी शुरू हो चुकी है, हल्की हल्की बर्फ शुरू पड़नी शुरू हो चुकी है। और ये बहुत ही खूबसूरत नजारा, और हमारे डायरेक्टर साहब बिल्कुल रेडी, इन्होंने लोकेशन जो हमारा शॉट फाइनल हुआ है वो इस लोकेशन पे पुल पे शायद होगा। और ये देखिए बिल्कुल डायरेक्टर साहब बिल्कुल इशारा करते हुए, और ये देखिए कैमरा निकालते हुए, और थोड़ी देर में यहाँ आग भी जल जाएगी। और यहाँ स्वरदीप शर्मा बर्फ के बीच बर्फ से खेलते हुए आनंद लेते हुए, और ये देख सकते हैं आप बहुत ही सुंदर जगह, बहुत ही प्यारी जगह। और हमारा पूरा यूनिट, हेमराज जी हैं, आलम जी हैं, हेतराम जी हैं, गंगाराम जी हैं, और हमारे एक भाभी जी साथ आए हैं हेमराज जी के, धर्मपत्नी जी, जिन्होंने हमारे को पिछले 2 दिनों से बड़ी सेवा करी है, बहुत अच्छा अच्छा खाना बना के इन्होंने खिलाया। और साथ में हेतराम जी के वाइफ भाभी जी ये भी आए हैं, और इनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ, और पूरे गोहर के यूनिट का मैं थैंक्स करता हूँ, सभी शांडिल का थैंक्स करता हूँ। ये हमारे भाभी जी आज भी, मुझे लगता है कि आज तो नहीं कल इनके हाथ का हम बहुत स्वादिष्ट खाना खाएंगे। और ये हमारे भाभी जी फोटो लेते हुए, और गंगाराम जी कंबल लेके आए हैं, तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हेतराम जी मैं चाहता हूँ कि वो घुट घुट ओ घुट घुट मारे चायरा लाड़ा हिमला रे तेरे होटले ओ बिमला रे तेरे होटले चाय डालो। अच्छा चांदिल जी, आपको इस गाने का ख्याल कैसे आया? जाओ बिमला का होटल आपने यहाँ पर चाय पाओ तो आने के पहली बात ओके, और हमें सब कुछ वही अवेलेबल हुआ। चलो बहुत बढ़िया, संदीप जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और हेमराज जी आपका भी धन्यवाद, आप इस खूबसूरत पलों को रिकॉर्ड करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। नमस्कार दोस्तों, बहुत आनंद आ रहा है देवीदर में, बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे फॉरेस्ट गार्ड साहब हैं यहाँ पे, इनका बड़ा सहयोग हमें मिल रहा है। तो हमें आज दूसरा दिन शूटिंग करते हुआ बहुत अच्छा लगा, फैंस भी मिल रहे हैं, और बाकी आपकी जो मंडी जो जगह है वो बहुत खूबसूरत जगह है, मजा आता है यहाँ पे शूटिंग करने का। मैं पहले भी 2014 में यहाँ पे शूटिंग करी थी, तो वाकई आपका जो मंडी है, वाकई आप लोगों की तरह जैसे आप खूबसूरत है, वैसे आपका जो ये डिस्ट्रिक्ट है वो भी बहुत खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर ये जगह है। तो बहुत जल्दी मेरे चैनल हिमाचली स्वर पे ये वीडियो लॉन्च हो जाएगा। ये हमारे देख सकते हैं उधर को, डायरेक्टर साहब बिल्कुल तैयार है मूंगफली खाते हुए, कुछ पीछे हमने वो आग भी जला रखी है, तो बड़ा मजा आ रहा है। जय हिमाचल, जय भारत। मैं आपको 2 बातें कहना चाहता हूँ। आप बोलिए बोलिए। जैसे शर्मा जी आज हमारे बीच आए, और जितने भी इनके फैंस लोग हैं बोलते ना आप आए बाहर। थैंक यू। 4 पैर दिए, आइए सो आपका 200 लंच टाइम होते हुए, तो आज जंगल में मंगल शूटिंग का दूसरा दिन, तो आज अभी काम हम आए हैं ना, जब मैंने अभी दिया ना टाइम ब्रेड और मक्खन पक्का 100% चाहे ठंड लगा के, पर हमारे जो डायरेक्टर साहब से वो मांग रहे थे क्रीम रोल, तो क्रीम रोल का इंतजाम यहाँ नहीं हो सकता था। बिल्कुल आप देख सकते थे कैसे हम यहाँ बर्फ वाली जगह में देवदारों के वृक्ष के नीचे में यहाँ लकड़ी जला रखी है। हेतराम जी, गंगाराम जी, आलम जी, हेमराज जी, इनका सबका धन्यवाद। पुलकित भाई, कैमरा देखो, बहुत मजा आ रहा है लंच आज, ब्रेड और पकौड़ा समोसा बहुत सारी। हेतराम जी बहुत बहुत धन्यवाद, और चाय का मजा तो बहुत ही आ गया। और सॉरी डायरेक्टर साहब से मैं माफी चाहूंगा कि क्रीम रोल हम आपको नीचे जाके खिलाएंगे, क्योंकि क्रीम रोल हमने खरीदे थे वो गाड़ी में रह गए, तो बहुत मजा आ रहा है। जय हिमाचल, जय भारत। सुनो नहीं वापस वो ऐसी वैसे घूम यहाँ चल रही, तो ठीक है सी डी ई क्यों मरने में चलवा दूं।
फील दीजिएगा। ला दूं म्यूजिक पार्ट, ओनली म्यूजिक पार्ट के लिए। हां हटो सर, पीछे दो साइड इधर आ जाइए विनोद मेरे पास। भैया पीछे 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 साइड हो, बस एक ही शॉट देना। सुनो, एक ही शॉट दीजिएगा, जब तक मैं कट ना बोलूं वैसे ही रहिएगा। म्यूजिक पार्ट अच्छा उड़ा लो बेटा, हट जा स्वर हट जाए। थैंक्स इधर आओ, कौन हंसड़ा खेलना जपड़ा रे, इधर आ जा। थैंक्स जाते हैं शूटिंग का आनंद। और स्वर आइए जरा जल्दी आओ, और ये देख सकते हैं आप हमारे गंगाराम जी, नेत्राम जी, आलम जी, और ये स्वरदीप शर्मा आ गए, और ये मेरे बेटे ने मुझे गिफ्ट दिया है। आराम से, आराम से, आराम से, ये उसमें मारेंगे हम। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, एपम। तो बहुत मज़ा यहाँ आ रहा है देवीदर में, बहुत सुंदर जगह, बहुत प्यारी जगह। तो 15 जनवरी को हमारा ये वीडियो लॉन्च हो जाएगा, तो बहुत आनंद आ रहा है। और डायरेक्टर साहब भी पीछे से आते हुए, ये देख सकते हैं आप डायरेक्टर साहब को, ये देखिए डायरेक्टर साहब बिल्कुल पैक होके आ रहे हैं। और थोड़ी देर में अभी हेतराम जी ने बोला है कि इनको अभी पूरा इनकी सेवा की जाएगी। और अब हम दूसरी लोकेशन पे जाते हुए, स्वरदीप आओ आओ, शूटिंग में देखिए आप बर्फ दिखा, कैसे बर्फ दिखा सकते हैं हम हेमराज जी। अभी देखिए हमारे गंगाराम जी के लिए इतना जोरदार तालियां हो जाए, तालियां। ये देखिए आप इतना बड़ा ठेला लेके आ रहे हैं, जोरदार तालियां हो जाए, बर्फ का आप देख सकते हैं। तो चलो ये देख सकते हैं हमारे पुलकित आग जलाते हुए कितनी मेहनत कर रहे हैं बेचारे। और मेहनत पुलकित की नहीं, सब लोग जो हमारे साथ हैं इनके बिना पॉसिबल ही नहीं हो पाता। हर एक चीज जो है हमें हाथ में दी गई है, मतलब इतनी फैसिलिटी कि अगर हम शायद है ना, हाँ, कहीं भी जाते इतनी फैसिलिटी नहीं होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत मजा आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। और ये देख सकते हैं आपकी ये जो इतना बड़ा जो ठेला है वो हमारे गंगाराम जी अभी लेके आ। और देखिए तालियां हो जाए हेतराम जी के लिए, हेतराम जी आते हुए आलम खली, क्योंकि जब ये बारीक बारीक और आगे आलम जी चले हैं, आलम अली और खली, इन दोनों जवानों के लिए जरा जोरदार तालियां हो जाए। अली और खली, अली और खली। और ये क्योंकि ये जो ठेला है जो गंगाराम जी लेके आए हैं, ये ठेला तभी चलेगा जब आलम जी और हेतराम जी की लकड़ी आ जाए। बहुत बढ़िया हो आ गई हेमराज जी, मैं अपने पहना दूंगी सर पे। शूटिंग का बड़ा आनंद आया, आ रहा है जैसे ही हम एक एक शॉट ओके करते हैं तो फिर वो थोड़ा आग सेकते हैं, फिर दोबारा से हम शूटिंग करने जाते हैं। तो वाकई बड़ा मजा आ रहा है। और देखिए अब हेतराम जी और आलम जी
लकड़ियों को जरा जलाते हुए, बहुत बहुत आनंद वाकई। और 15 जनवरी को ये वीडियो लॉन्च कर दी जाएगी हिमाचली स्वर पे, तो बहुत आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिमाचल, जय भारत। हाँ जी, अच्छा बैठेंगे मैडम आप? ओहो है, इधर क्या दे दो यार, ये हमारी बीना शर्मा चू चू ठंड में करते हुए। और ये देख सकते हैं आप, पूरा यूनिट हमारा नाचना थे, सब जाओ गाने। सामान तुम रहा नीचे, हेतराम जी, गंगाराम जी, आलम जी, हेमराज जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बिल्कुल, बजाओ इसको थोड़ा। ओ बूढ़े सारे ताई फॉलो कर दे, बात हमारी तू माने ली।